हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जरा एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाइए। प्रभात रावत राम राम, पूनम कुमारी राधे राधे भाई, सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी पढ़ाना, आज का कार्यक्रम, आज की कहानी, आज का सेशन। राधे कृष्ण सुमन, सोनू राधे राधे, बंटी क्रिकेट 21, जय हिंद। तो आप सभी लोग ये जानते हैं, नमस्ते भाई, नगर दिगंबर सिंह जय हिंद, भानु प्रताप UP86 जय हिंद भैया, दिगंबर, शिवम यादव, सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारी ये क्लास जो थी अब तक कटारा कंपटीशन एकेडमी पर चल रही थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिफेंस का भी एग्ज़ाम बड़ा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये वोकेबलरी है तो वन एंड ऑल सभी के लिए, सभी के लिए क्लास है ये, वन एंड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बेसिक टू हाई, सभी के लिए है ये क्लास। लेकिन ये चैनल अब चेंज कर दिया है। अब ये जो क्लास है एपिसोड 3, जबकि बैनर पर लगा है एपिसोड 4। क्लास हमारी चौथी ही है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो हमने एपिसोड 3 पढ़ाया था वो कुछ ब्लर था। बच्चे ये कह रहे थे कि सर ब्लर है, वो थोड़ा सा सही से समझ में हमको नहीं आया। तो उन्हीं के लिए मैं इस सेशन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमारा सेशन, जो नए बच्चे जुड़े हैं आज हमारे साथ, उन सभी को बता दूं कि ये जो कहानी है ये चल रही है हमारी रूटवर्ड की। इससे पहले सिर्फ मैं एक ही रूट पर बात करके आया हूं और वो रूट है हमारा लॉजी। कौन सा वो रूट है हमारा? लॉजी। हमने इससे पहले सिर्फ और सिर्फ लॉजी पर बात करी है और किसी पर हमने बात नहीं करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, आज का सेशन। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो दो रूट पढ़ने वाले हैं। पहला रूट कौन सा है बेटा? मिस या फिर मिसो, और दूसरा रूट है फिल या फिर फिला या फिर फिलो। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं कि मिस या मिसो का जो मीनिंग है वो है हेट, घृणा, और फिलो या फिलो का मीनिंग है लव। हम आज प्यार और घृणा पर बात करने वाले हैं, आज हम प्यार और घृणा पर बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। प्यार और घृणा की बातें आप लोगों के साथ मिलकर के करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सबसे पहला वर्ड है मिस एंथ्रोप। कौन सा वर्ड है बेटा? मिस एंथ्रोप। जरा इस शब्द को अगर अच्छे से समझें आप, तो मैंने इस शब्द को तोड़ने का प्रयास किया और मैंने इसको तोड़ दिया, मिस एंथ्रोप। क्या? मिस एंथ्रोप। अगर यहां पर देखो मिस एंथ्रोप में, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, एंथ्रोप इज द रूट वर्ड ऑफ मैनकाइंड। जहां भी हमको एंथ्रोप दिखाई देगा वहां हम काय की बात करेंगे, वहां हम बात करेंगे जी मैनकाइंड की। और मिस का मतलब होता है जी हेट। मिस का मतलब क्या होता है जी? हेट होता है। क्लियर है मेरी बात? अगर गौर से समझी जाए बात, तो गौर से समझने वाली बात यह है, मिस एंथ्रोप का मतलब हो गया A person who hates mankind, एक व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता है, मानव जाति से घृणा करता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? मिस एंथ्रोप कह देते हैं, ठीक है। विकास बेटा ये हर किसी एग्जाम के लिए काफी है। वोकैबुलरी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इंडिया में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सफिशियंट होगी। अभी तो बिगनिंग है जी, अभी तो केवल शुरुआत है, ठीक है। राधे राधे भाई शिवांग। चलिए यहां पर दूसरा वर्ड आ गया मिस एंथ्रोपी। जरा इस वर्ड को भी तोड़ो, मिस प्लस एंथ्रोप प्लस वाई, और वाई लगने से क्या बन जाता है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई लगा देते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई लगा देते हैं तो उस
उससे क्या बनता है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चे, विच मीन्स हेटेड और डिसलाइक फॉर मैनकाइंड, यानी जो घृणा है मानव जाति के लिए, उस घृणा को ही हम क्या कह देते हैं, मिस एंथ्रोप कह देते हैं। क्लियर है मेरी बात। अब अगली शब्द की तरफ चलते हैं, और अगला शब्द है मिसोगाइनी। कौन सा वर्ड है बेटा, मिसोगाइनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिसोगाइनी। जरा देख लेते हैं बच्चे मिसोगाइनी वर्ड क्या है। सबसे पहले वही काम करना है, आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में तोड़िए शब्द को किस किस में तोड़ा जाएगा। तो आप कहोगे गुरुजी ये तोड़ा जाएगा मिसो प्लस गाइनी में, काय में, मिसो प्लस गाइनी में। और आपसे अगर मैं ये पूछूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि भैया गाइनी किस चीज का रूट वर्ड है, गाइनी किस चीज का रूट वर्ड है, गाइनी का मीनिंग क्या होगा, रूट वर्ड में गाइनी किसको कहते हैं, जरा बताइए बच्चे गाइनी किसको कहते हैं। अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आए हैं, भैया कमेंट्स ना आने का मतलब क्या है, क्या मेरी क्लास में केवल ये सूरज कुमार जो बच्चा है यही लाइव है, भानु प्रताप यूपी 86, और बच्चों ने हाथ बांध रखे हैं क्या, गायनी का जो मीनिंग है बेटा, गायनी का जो मीनिंग होता है वो होता है बेमैन। क्या होता है, बेमैन। अब जरा इसको समझो, अब मिसो का मतलब हेटर्ड, काय के लिए, फॉर बेमैन, औरतों के लिए जो घृणा है उसी को हम क्या कह देते हैं, मिसोगाइनी कह देते हैं। क्या कहते हैं भैया, मिसोगाइनी कहते हैं। अब मैं यहीं पर दूसरा वर्ड आपके लिए लिखता हूं जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मिसोगाइनिस्ट। एंड यू ऑल नो, मैंने आप सभी को यह बताया हुआ है कि भैया जी मिसो क्या हो गया आपका, हेटर्ड, गायनी क्या हो गया, वुमेन, और आईएसटी जहां भी लग जाए इसका मतलब होता है करने वाला, डूअर, या फिर फॉलोअर, या फिर वन हु या फिर अ पर्सन हु। इसके चार मीनिंग निकलते हैं, कौन कौन से मीनिंग, अ पर्सन हु, वन हु, या फिर इसी के लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम, फॉलोअर या फिर डूअर। अब ये क्या कर रहा है, आईएसटी करने वाला है, मिसो माने हेटर्ड, गायनी माने औरत से। इसका मतलब ये हो गया भैया, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिसोगाइनिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिसोगाइनिस्ट। क्लियर हो गई जी मेरी बात, किसी पे कोई दबाव या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है तो जरा इससे अगले वर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमको दिया हुआ है मिसोपैडिया। क्या दिया हुआ है बेटा, मिसोपैडिया। जरा इस शब्द को समझने का प्रयास अगर आप करें तो देखो क्या है ये शब्द, मिसो प्लस पैडिया, मिसो प्लस पैडिया। अब जरा मिसो को तो आप जानते ही हैं, मिसो को आप सभी जानते हैं कि मिसो क्या है, हेटर्ड है। अब हेटर्ड है किससे, पैड से, एंड पैड इज द रूट वर्ड ऑफ चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से ही घृणा करने वाला, अपने खुद के बच्चों से घृणा करने वाला, यानी द हेटेड फॉर वंस चाइल्ड और चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों के लिए जो घृणा है, दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड हेटर्ड। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और अगला वर्ड हमारे सामने आ गया है मिसोनिज्म। क्या मिसोनिज्म? अब मिसोनिज्म क्या है जरा देखो गौर से। अब जरा इस शब्द को अगर आप देखोगे तो मिसो प्लस नियो प्लस आईएसएम, नियो प्लस आईएसएम, मिसो प्लस निज्म, ये है क्या? एक्चुअली ये क्या है मिसोनिज्म क्या है जरा देखो ध्यान से। अब अगर यहां ध्यान से समझोगे इस बात को, तो मैंने कहा मिसो का मतलब क्या है जी? हेटर्ड। न्यू का मतलब क्या है? न्यू। और आईएसएम जहां भी लगा हो इसका मतलब होता है मेथड। क्या होता है? मेथड, या फिर कोई ट्रेडिशन, या फिर कोई कल्चर, या फिर कोई पैटर्न। ठीक है क्या? अब जरा गौर से समझोगे तो मैंने यहां से आपको समझाना चाहा कि एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसी चीज, ऐसी घृणा जो कुछ नए काम, ठीक है बेटा पिंक से नहीं लिखेंगे, मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक ऐसा मेथड, एक ऐसा मेथड जो नई नई चीजों को करने से डरता है, यानी ऐसी चीजों से घृणा जिनमें कुछ नया हो, नया काम करना, कुछ बदलाव करना, नए लोगों से मिलना, नई नई बातें करना, यानी किसी भी नए काम को करने से डरने वाला, यानी डरना ही क्या होता है? मिसोनिज्म कहलाता है, यानी हेटर्ड ऑफ एनीथिंग न्यू और एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट चेंज। कोई भी चीज जो बदलाव करती है या फिर नई नई चीजों को लाना चाहती है, दिस इज कॉल्ड मिसोनिज्म। बात समझ में आ गई बेटा? अगले शब्द को पढ़ लेते हैं जरा। अगला शब्द है मिसोलॉजी। कौन सा? मिसो प्लस लॉजी। अब लॉजी बोले तो, लॉजी बोले तो नॉलेज, यानी कि स्टडी ऑफ या फिर साइंस ऑफ। भैया लॉजी काय का रूट वर्ड था? या तो साइंस ऑफ का या फिर स्टडी ऑफ का। अब साइंस हो या स्टडी हो, ये किसको बता रहा है भैया? नॉलेज को ही तो बता रहा है। और नॉलेज आई किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। और लैंग्वेज में क्या इंक्लूडेड है बेटा? वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हेटर्ड ऑफ स्टडी ऑफ समथिंग इन्वॉल्विंग रीजन और रीजनिंग, जहां पर कुछ रीजन, तार्किक और तर्क वाली स्टडी से नफरत करना, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ। यानी जहां फैक्चुअल बातें हैं, सीधे सीधे कोई बात तैयार करनी है तो ठीक है, अगर वहां कोई तर्क वितर्क पैदा हो गया तो उसी स्टडी को हम क्या कह देते हैं? इसी स्टडी को क्या कह देते हैं? मिसोलॉजी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? भाई बंटी क्रिकेट मैंने कोई भी क्लास नहीं छोड़नी, ठीक है, मैं कोई क्लास नहीं छोड़ूंगा, हम सारी क्लासों को डिस्कस करने वाले हैं, सारी क्लासों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो वोकैब की जो क्लास है वो हो रही है इस चैनल पर, कटारा डिफेंस एकेडमी पर। ठीक है बेटा, कटारा डिफेंस एकेडमी पर। और जो ग्रामर वाली क्लास है, जो ग्रामर वाली क्लास है वो किसके लिए हो रही है बेटा? वो हो रही है आपकी किसके लिए? वो हो रही है आपकी कटारा कॉम्पिटिशन वाले चैनल पर, कटारा कॉम्पिटिशन वाले चैनल पर हो रही है। तो वोकैबुलरी इस चैनल पर रहेगी और ग्रामर आपकी कॉम्पिटिशन वाले चैनल पर रहेगी। क्लासेस डेली होंगी, क्लासेस डेली होंगी, क्लासेस में कोई रोक टोक नहीं है। वोकैबुलरी की क्लास में कोई गैप नहीं है, कोई छुट्टी नहीं किसी भी तरीके की। हाँ ग्रामर की क्लास में हमारी जो क्लास रहा करेगी वो मंडे टू फ्राइडे हम रखने की सोच रहे हैं, कि मंडे टू फ्राइडे हम रखा करेंगे उसको। ठीक है बेटा, चलिए आइए जरा बात पर चलते हैं। और अगला जो हमारा शब्द है वो है रूट फिल, फिलो या फिला, जो मैं आपको बता चुका हूं, जिसका मीनिंग होता है लव। क्या मीनिंग होता है बच्चे इसका? इसका मीनिंग होता है लव। अब जरा इस बात को समझो, तो मैंने इस शब्द को तोड़ा और तोड़ने पर पता चला एंग्लो प्लस फाइल। कौन सा? एंग्लो प्लस फाइल। अगर एंग्लो प्लस फाइल को समझा जाए तो ये एंग्लो फाइल है क्या एक्चुअली? देखो ध्यान से, एंग्लो इज द रूट वर्ड ऑफ इंग्लिश, एंग्लो इज द रूट वर्ड ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश का कुछ भी हो सकता है, अब इंग्लिश का कुछ भी हो सकता है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है,
इंग्लिश कल्चर हो सकता है, इंग्लिश पीपल हो सकते हैं, इंग्लिश ड्रेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी वेस्टर्न से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वेस्टर्न से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों से प्यार करना ही एंग्लोफाइल या एंग्लोफिलिया कहलाता है। यानी लव फॉर वेस्टर्न, लव फॉर वेस्टर्न, ठीक है बेटा, लव फॉर वेस्टर्न। राधे राधे बेटा पूनम, हेलो भैया नितिन आर्य, क्या रे लड़के विवेक कुशवा क्यों नहीं सुनेंगे, सबकी सुनना है भाई, हम आई सुनने हैं, तुम हमारी कहां सुनते हो, हमें तुम्हारी सुननी पड़ रही है। देखो ना तुम सेशन को शेयर करो, ना तुम स्टेटस पे लगाओ बेटा। हाँ अजय मैंने करा दिए, बट उसमें बच्चे बता रहे थे कि उसमें कुछ दिक्कत थी, दिक्कत का मतलब है कि ब्लर हो रहा था कैमरा, जिससे बच्चों को थोड़ा सा सही से समझ में नहीं आया, इस वजह से बच्चों के कहने पर इसे मैं रिपीट कर रहा हूं। जय हिंद भैया दानिश। अगले शब्द पर आ जाओ बेटा, अगला शब्द है बिब्लियोफाइल। जरा इस शब्द को तोड़ो, बिब्लियो प्लस फाइल, एंड बिब्लियो फाइल तो आप सभी जानते हैं, फाइल इसका मतलब है लव फॉर, क्या है लव फॉर। अब यहीं पर क्या है बिब्लियो, एंड बिब्लियो इज द रूट वर्ड ऑफ बुक्स, बिब्लियो किसका रूट वर्ड है बेटा, बुक्स का। अगर बिब्लियो बुक्स का रूट वर्ड है तो क्या हो गया, लव फॉर बुक्स, लव फॉर बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियो फाइल, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मैं मैराथन किस के लिए लेके आऊं, बताओ मैराथन किस के लिए लेके आऊं, क्या पर्पस क्या होगा मैराथन का, मैराथन क्लास का पर्पस क्या होगा, किसके लिए चाह रहे हैं हम मैराथन, बताओ बेटा। एयरफोर्स के लिए पक्का, चलो करते हैं इस पर प्लानिंग आपकी मैराथन पे, ठीक है करते हैं इस पर प्लानिंग। चलो तो नेक्स्ट वर्ड समझ लेते हैं, और अगला वर्ड है ये भैया आपका शो चल रहा है कटारा कंपटीशन वाले चैनल पर, कंपटीशन वाले चैनल पर ये शो चल रहा है आपका रोज 8 बजे से, रोज 8 बजे से ये आपका शो चल रहा है, और ये हमारा शो चल रहा है, हमारा तो फाइल फोल्डर ही नहीं लगाया इन्होंने, ठीक है। शाम 7 बजे से हमारा भी शो चल रहा है, वहां पर नाउन डिस्कस कर रहे हैं, नाउन में कल केस डिस्कस किया था, आज भी केस डिस्कस करने वाले हैं, और केस को डिस्कस करने के बाद आज नाउन नंबर में हम एंट्री करने वाले हैं, ठीक है बेटा। बेटा इंग्लिश सभी के लिए एक ही होती है, अलग अलग कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ बट लेवल होता है एग्जाम का, लेवल ऑफ एग्जाम का लेवल अलग अलग होता है। चलो नेक्स्ट वर्ड है मेसोफाइल। देखो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो मिसो पढ़ रहे थे, मिसो का मतलब पढ़ रहे थे हीट। अब मेसो, मेसो इज रूट वर्ड ऑफ मिडिल, जो क्या कहूं मैं, एवरेज चीजें, औसत की चीजें होती हैं। औसत का मतलब है कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो उसमें एक चीज है, और वो चीज क्या है बेटा, वो चीज ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूं भाई कि क्या कहता हूं मैं, आपके कमेंट्स बंद करो बेटा पहले तो, कमेंट्स बंद करो। पूनम मैं एमटीएस के लिए शायद आपको पता है 4 मैराथन लेके आया हूं कंपटीशन वाले चैनल पर, ठीक है बेटा। एक बार उनको देखो आप, पहले उसको ही तैयार कर लो, वो ही सफिशियंट है,
और हाँ एयरफोर्स वाले भी उसी को तैयार कर लें, ठीक है। बाकी मैं एक और मैराथन प्लान करता हूँ, आप चिंता ना करें, फिलहाल मुझे पढ़ाने दें, फिलहाल मुझे पढ़ाने दें। चलो भाई, मैं क्या कह रहा था, मिडिल, जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जाम्पल दिया था, और मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि बेटा जैसे मान लीजिए टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस 10-15 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसमें हमें ठंड के कपड़े पहनने होते हैं, ठीक है, ठंड के कपड़े पहनने होते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर पहुंचता है कहां पर, 25 पर, तो हमें ठंड के कपड़े नहीं पहनने होते, लेकिन मौसम हमको अच्छा लग रहा होता है। अब वही टेम्परेचर अगर वियरेबल रहता है तो 40 तक करीब रहता है, 35 तक 40 तक रहता है, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही इससे ऊपर जाता है तो हमें अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। यानी जो मिडिल का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, जो हमें ठीक लगता है, वियर कर सकते हैं, वो 25-40 है। हाँ या ना? तो इस मिडिल की चीजों से लव करना ही क्या कहलाता है, मेसोफाइल कहलाता है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट वर्ड है पेडोफिलिया। पेड में अभी आपको थोड़ी देर पहले बता के आया हूं, पेड इज द रूट वर्ड ऑफ काय का, पेड इज द रूट वर्ड ऑफ चाइल्ड। अब फाइल का मतलब है लव, लव फॉर चाइल्ड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सेक्सुअल डिजायर रखता हो, किसके साथ, बच्चे के साथ। बच्चे के साथ सेक्सुअल डिजायर रखना ही क्या कहलाता है, पेडोफेलिया कहलाता है। विच मीन्स अ पर्सन हु हैज सेक्सुअली डिजायर फॉर अ चाइल्ड इज कॉल्ड पेडोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिलोसफी। अब ये ज्यादातर वर्ड सब जुड़े हुए हैं फिलोसफी से, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पढ़ाता हूं, फिला प्लस सोफी, एंड सोफी इज द रूट वर्ड ऑफ नॉलेज। सोफी इज द रूट वर्ड ऑफ नॉलेज। अब जरा देखो, नॉलेज का रूट वर्ड है, और अगर ये नॉलेज का रूट वर्ड है तो नॉलेज क्या है बच्चे, नॉलेज क्या है, नॉलेज क्या है, नॉलेज वो वाली जिसमें सिद्धांतों की बात हो, प्रिंसिपल्स की बात हो, और काय की बात हो बेटा, कॉन्सेप्ट्स की बात हो। एक ऐसी नॉलेज जिसमें सिद्धांत हो, सिद्धांतों पर या कॉन्सेप्ट्स पर बेस नॉलेज से प्यार करना ही क्या कहलाता है, आपका फिलोसफी कहलाता है। अब ये सारे वर्ड फिलोसफी से जुड़े हुए हैं। अगले वर्ड पर आ जाइए, फिलोलॉजी। लॉजी बोले तो फिर से उसी पर आ जाओ, वर्ड्स, वर्ड से प्यार करने वाला, किसी लैंग्वेज से प्यार करने वाला फिलोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है फिलोगाइनी। फिलोगाइनी, फिलोगाइनी को समझो, फिलो प्लस गाइनी। गाइनी आप जानते हैं सभी, गाइनी इज द रूट वर्ड ऑफ बेमैन। फिलो मतलब बोले तो लव, लव फॉर बेमैन इज कॉल्ड फिलोगाइनी। अब मैं यहीं पर आपको दूसरा वर्ड समझाता हूं, ये तो आपको तैयार हो गया। मैंने कहा फिलोगाइनिस्ट, क्या कहा बच्चे, मैंने फिलोगाइनिस्ट, और दूसरा शब्द मैंने कहा फ्लैंडरर। फ्लैंडरर, ये दोनों के दोनों क्या हैं, लवर ऑफ बेमैन, लवर ऑफ बेमैन, औरतों से प्यार करते हैं ये दोनों के दोनों। ये भी औरतों से प्यार करता है और ये भी औरतों से प्यार करता है, लेकिन ये करता है वेलफेयर के लिए, औरतों की भलाई के लिए काम करता है, और ये क्या करता है, अगर मैं इसके बारे में कहूं तो ये अट्रैक्शन है इसका, क्या है इसका, अट्रैक्शन है, औरतों के पीछे घुमड़ता डोलता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फिलैंथ्रोपी। ये हम समझने का प्रयास करें तो फिला प्लस एंथ्रोपी। एंथ्रोपी बोले तो मैनकाइंड, फिला मतलब लव, लव फॉर मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपी, लव फॉर मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपी। और अगला वर्ड है हमारा फिलैंथ्रोपिक सब फ्लेंडर, और ये फ्लेंडर मैंने अभी अभी वर्ड बताया, हु मेक्स लव विदाउट एनी सीरियस इंटेंशन। इसके प्यार करने की कोई सीरियस इंटेंशन नहीं होती, क्या होता है भैया, ये क्या होता है, ये केवल और केवल प्यार करता है फिजिकली, सेक्सुअली प्यार करना चाहता है विमेन से, ये कौन होता है, फ्लैंडरर होता है। क्या मेरी बात यहां तक की क्लियर हो गई बच्चे, क्या यहां तक की बात सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो आज का सेशन फिर यहीं पर समाप्त हुआ।
बातें जरूरी क्या है वो सुन लीजिए, शाम 7 बजे से, शाम 7 बजे से कटारा कॉम्पिटिशन एकेडमी, कटारा कॉम्पिटिशन एकेडमी पर आपकी क्लास हो रही है। जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, लगता है इससे डर, तो वो हमारे जुड़ेंगे। नाउन का सेशन चल रहा है, नाउन केस आज खत्म हो जाएगा, आज से ही हम एंट्री कर जाएंगे। किसमें बेटा? नाउन नंबर में। तो शाम 7 बजे से ये क्लास रहेगी हमारी, शाम 7 बजे इस क्लास में सभी बच्चे जुड़ना नहीं भूलेंगे। और 8 बजे से, 8 बजे से आपकी क्लास रहेगी, 8 बजे से आपकी क्लास रहेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, दिखाया भी था, मैथ्स के बेताज बादशाह दरोगा अभिषेक सर की, जो हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं इस समय, तो शाम 8 बजे से सर की क्लास होती है। और मैंने आप सभी बच्चों से कहा था कि केवल आप हमको दीजिए क्या सर, 1 वीक, हम आपकी क्या दूर कर देंगे। आप कहोगे सर अब हम नहीं रहे वीक, केवल दीजिए हमें 1 वीक। और ये कहानी सिर्फ एक हफ्ते नहीं चलेगी, ये कहानी लगातार चलती रहेगी। तो जुड़ना ना भूले कटारा कॉम्पिटिशन एकेडमी के चैनल पर शाम 7 बजे, और वोकैबुलरी के लिए कटारा डिफेंस एकेडमी के चैनल पर सुबह 8:30 बजे। तो मिलते हैं आपसे।